अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही कारामद वजीफ़ा लेकर आए हैं, जिसको करने से आपका जो शौहर है वो आपके काबू में होगा। और अगर आपके शौहर से कोई नाराज़गी चल रही है तो वो फौरी दूर हो जाएगी। शौहर आपको खुद मनाने आएगा। इवन यहाँ तक कि अगर उसने आपको घर से भी निकाल दिया तो वो आपको मन्नत करके घर लेकर जाएगा। इस तावीज़ के बेशुमार फ़ायदे और कमालात हैं। बहुत से लोगों ने इसे आजमाया और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और राहतें लौट आई हैं। तावीज़ को जानने के लिए का जो तरीका है वो मैं एंड पे वीडियो के एंड पे बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आप इसे मिस कर देंगे। एक खातून ने इस तावीज़ के बारे में अपना मुशाहदा लिखा कि मेरी बेटी का शौहर से बहुत तंग करता था और वो दिन भी आया जब मेरे दामाद ने बेटी को घर से धक्के देकर निकाल दिया। नौबत यहाँ तक हुई कि उसने तलाक देने का सोच लिया। अब कबली रिसाला में इस तावीज़ के कमलात पढ़े। मैंने एक तावीज़ लिखकर वज़न के नीचे रख दिया और एक तावीज़ पानी में डालकर अपनी बेटी को पिलाना शुरू कर दिया। अल्लाह के फजल करम से तावीज़ ने अपना काम दिखाया और मेरा दामाद मेरी बेटी को आ गया। जिसने एक अरसा तक इसकी खबर ना ली थी वो इसे घर लेने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कल ही मेरा दामाद अपनी बीवी को अपनी उम्र लेकर चला गया है। जिसने अब तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली के तौर पर मिलती रहें। पहला आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन में ये वीडियोस आती रहें। अच्छा, तो तरीका ये है कि आपने अगले स्लाइड में आने वाले तरीके को अपनाना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इस तावीज़ को यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने तावीज़ जो मैं डी सी आपको बताऊँगी लिख कर आपने उसे पानी में मिला देना है। इस पानी को पीना भी है और पिलाना भी है। अगर पिला नहीं सकते तो उसे आप किसी वजनी चीज़ के नीचे दबा दें। लेकिन याद रहे कि तावीज़ किसी इंक से लिखा हो, किसी घुलने वाली स्याही से लिखा हो, फोटोकॉपी ना हो। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।